बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है, फाइंड द वेक्टर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस। तो पार्ट ए है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी आई प्लस टी स्क्वेयर जे प्लस टी प्लस टी क्यूब के। तो इसका डेरिवेटिव मालूम करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। इंडिपेंडेंट हमारे साथ टी है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। सो डी डिवाइड बाय डी टी ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय डी टी ऑफ टी आई प्लस टी स्क्वेयर जे और प्लस टी क्यूब के। आप अलग अलग डेरिवेटिव दे दे, विच इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय डी टी ऑफ टी आई प्लस डी डिवाइड बाई डी टी ऑफ टी स्क्वेयर जे प्लस डी डिवाइड बाई डी टी ऑफ टी प्लस टी क्यूब के। अब डेरिवेटिव मालूम कर ले, डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी 1 है और आई यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। टी स्क्वेयर का 2 आगे आ जाएगा और 2 एक डिक्रीज हो जाएगा और जे अपने जगह पे आ जाएगा, प्लस यहाँ टी का 1 है और टी क्यूब का है 3t स्क्वेयर। पावर आगे आ जाएगा और पावर एक डिक्रीज हो जाएगा और के यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो विच इज इक्वल टू आई प्लस 2tj प्लस 1 प्लस 3t स्क्वेयर के। तो इसी के साथ पार्ट नंबर ए सॉल्व हो गया। एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस आई प्लस एस स्क्वेयर जे प्लस एस स्क्वेयर के प्लस 2s² i माइनस एस जे प्लस 3k। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो एफ ऑफ एस आ जाएगा एस आई प्लस 2s², तो आ जाएगा एस प्लस 2s² i या 2s² पहले लिख ले, 2s² प्लस एस आई। और इस जे जे के साथ तो प्लस s² माइनस एस जे और प्लस s² प्लस 3k यूनिट वेक्टर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस, सो डी डिवाइड बाय डी एस ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू डी डिवाइड, पहले सब को ओवर ऑल डेरिवेटिव ले ले फिर अलग अलग डेरिवेटिव ले ले, तो डी डिवाइड बाय डी एस ऑफ 2s² प्लस एस आई प्लस डी डिवाइड बाय डी एस ऑफ एस स्क्वेयर माइनस एस जे प्लस डी डिवाइड बाय डी एस ऑफ एस स्क्वेयर प्लस 3k। सो डी एफ डिवाइड बाय डी एस हमारे साथ आ जाएगा 2 स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2 आगे आ जाएगा, तो 2 2 4s और s का विद रिस्पेक्ट टू s 1 है, तो 4s प्लस 1i प्लस एस स्क्वेयर का डेरिवेटिव है 2, पावर आगे आ जाएगा और पावर एक डिक्रीज हो जाएगा, माइनस s तो s का 1 है j और एस स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2s है और कांस्टेंट का 0 है जिसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पार्ट बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सी, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एन टू आई प्लस टेंजेंट थीटा जे
आई प्लस टेंजेंट थीटा जे प्लस थ्री के। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा कॉस थीटा आई प्लस कॉस थीटा, और टेंजेंट थीटा हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और ये अपनी जगह पे प्लस थ्री के। ये कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा तो एफ ऑफ थीटा आ जाएगा कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे प्लस थ्री के। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो डी डिवाइड बाय डी थीटा हाफ एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय डी थीटा ऑफ कॉस थीटा आई प्लस डी डिवाइड बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा जे और प्लस डी डिवाइड बाय डी थीटा ऑफ थ्री के। पहले एज ए होल डेरिवेटिव ले लें और फिर अलग अलग डेरिवेटिव दे ले लें, ठीक है। कॉस थीटा का डेरिवेटिव है माइनस साइन थीटा आई और प्लस साइन थीटा का है कॉस थीटा जे अपनी जगह पे, और थ्री का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा जीरो है, जीरो के, ठीक है। तो इसी के साथ पार्ट नंबर सी सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हो गया। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।